भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाने वाला है। मैच पर जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। दूसरा टी20 जीतकर वह सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेंगे, तो वही मेहमान टीम के लिए इंदौर में मुकाबला करो या मरो वाला है। अब ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में आखिर इंदौर की पिच कैसी रहने वाली है, कैसा रिएक्ट करेगी, चलिए आपको बता दें। साथ ही होलकर स्टेडियम पिच पर बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे अधिक मदद मिलने वाली है, आगे वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग हमें जरूर दें। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में इससे पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले खेले गए हैं। 2 बार भारत ने श्रीलंका को यहां हराया, जबकि 1 बार साउथ अफ्रीका ने भारत को यहां पर हरा दिया है। 2 बार यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली और 1 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर 210 का रहने वाला है। दोस्तों अगर बात करें होलकर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, तो आप बता सकते होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इंदौर की ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल है। हालांकि खेल के शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत उछाल हुआ स्विंग मिलती है, जो बल्लेबाजों को हल्की से परेशानी में डाल सकती है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच पर बल्लेबाजी पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। पावर प्ले के बाद कुछ ओवरों में स्पिन गेंदबाजी असरदार हो सकती है। पिच धीमी होने से स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर इंदौर की यह पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार है और सपाट पिच पर बल्लेबाजी करना सबकी पसंद होती है। इस वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच यहां मैच दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, यहां खूब रन बनाए जा सकते हैं। गेंदबाजों के लिए चुनौती रहेगी, तेज से अधिक स्पिन गेंदबाजों को यहां पर मदद मिलने वाली है। होलकर स्टेडियम का आउटफिट काफी तेज होगा, शुरुआत से जहां तेज खेलना चाहिए, यहां पर 200 का स्कोर बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता है। होलकर स्टेडियम में आखिरी टी20 मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए और भारतीय टीम 178 पर सिमट गई। दोस्तों अगर यहाँ के टॉस अपडेट की अगर हम बात करते हैं, तो टॉस जीतकर यहाँ पहले गेंदबाजी का फैसला करना सही रहेगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 का स्कोर बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि इस पिच पर गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल भी रहने वाली, इसलिए टॉस जीतकर यहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जाना पूरी तरीके से सही माना जा सकता है। हालांकि अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 220 से 30 तक पहुंचती है, तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर काफी दबाव बना सकती है और मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। होलकर स्टेडियम के वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो weather.com द्वारा प्रदान किए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यहाँ पर मौसम भी अधिक ठंड नहीं है। शाम के समय न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक जा सकता है, मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन फॉग देखने को मिल सकता है, ओस यहां पर असर डाल सकते। तो ऐसे में दोस्तों ये थी भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच की पिच रिपोर्ट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर भारतीय टीम के अगर आप भी फैन हैं और ऐसी वीडियोज आपको देखना पसंद है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर लिंक देखने को मिल जाएगी।